नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सेमी मराठी क्लासेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत कक्षा 10वी घटक संच कसोटी पहिली, विषय हिंदी लोकभारती। एकूण 20 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे आणि यासाठी आपल्याला वेळ आहे ते 1 तास। चला तर सुरू करूया आजचा पेपर। यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला इथे काही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। सूचना आहे 1, सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें 2 दिया गया है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, और तथा यहाँ पे 3 दिया गया है। शुद्ध स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। तो इसे हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ सूचना हमें यहाँ पे दिए गए, तो इसके बाद हमारा शुरू होता है। तो विभाग क्रमांक 1 जो कि हमारा गद्य विभाग है, तो यह गद्य विभाग हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 हमें यहाँ पर दिया गया है। पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले हमें वीडियो पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज करने के पश्चात इस पर यह हमें गद्यांश पढ़ना है। फिर हम देखते हैं इस गद्यांश पर पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आकृति पूर्ण कीजिए कुल 2 अंक के लिए। यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो पहला, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं क्या है। तो मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की यहाँ पे हमें 4 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 हमें यहाँ पे उनकी विशेषताएं लिखनी है जो लोग मरीज से मिलने के लिए आते हैं। फिर इसके पश्चात यहाँ पे ख, विद्वानों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। तो सबसे पहला यहाँ पे, उन्होंने मेरे हाथ के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। और इसके पश्चात 2, कहानी अब दर्द कैसा है, कहिए अब दर्द कैसा है। तो यहाँ हमें सत्य है या असत्य है यहाँ पे हमें लिखने हैं। इसके पश्चात इस पर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो पहला यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है दिन, तो इसका हमें लिंग पहचानना है। और दूसरा है नींद, तो इनका हमें यहाँ पे लिंग पहचानना है। इसके बाद ग, स्वमत अभिव्यक्ति, मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर हमारा शुरू होता है जो कि यहाँ पर हमारा पद्य विभाग है। कृति क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो गद्यांश पद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके पश्चात इस पर पूछे गए कृतियाँ हम देखने वाले। पहला, आकलन कृति पूर्ण कीजिए, कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम हमें यहाँ पे बताने हैं। फिर इसके पश्चात 2, आकृति पूर्ण कीजिए, तो कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। 1 तथा 2 धातुओं के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। इसके पश्चात ख, 1 शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिए 1 शब्द में उत्तर लिखना है। पहला, हमने गौरी को इसका दान दिया। इसके पश्चात 2, भारत की धरती पर इसकी घूम रही है। और 3, पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। और 4, गरीब शब्द के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसके हमें 1 शब्द में उत्तर लिखे। इसके पश्चात हमारा शुरू होता है विभाग क्रमांक 3 जो कि है पूरक पठन। तो प्रश्न प्रक्रम 3, परिच्छेद में दी गई सूचनाओं के अनुसार आकृतियाँ पूर्ण कीजिए। देखिए दोस्तों इस पर पूछे गए प्रश्न। तो पहला, यहाँ पर बुढ़ापे के अलावा जीवन के 2 खंड, तो यहाँ पे हमें 2 खंड इनके लिखने हैं। फिर इसके पश्चात 4, आकृति पूर्ण कीजिए, लेखक अपने आप को इनके लिए अविभाज्य पाता है। तो लेखक किसके लिए अविभाज्य पाता है हमें यहाँ पे इसके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए धन्यवाद।